नमस्कार दोस्तों, धनाधन टीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं कोलकाता विक्टोरिया भवन के पास, जो कि आप देख रहे हैं। और ये भारत की एक सबसे बड़ी संगमरमर इमारत के रूप में उभर कर आती है। और यहाँ बड़े बड़े दूर से लोग सैलानी आते हैं। और हम आपको बता दें, शॉर्टकट में बताते चलें कि महारानी विक्टोरिया की याद में 1906 से लेकर 1921 ईस्वी तक बनाया गया। यानी करीब हम बता सकते हैं कि 15 साल में ये करीब इमारत ये बनकर तैयार हुई। और महारानी विक्टोरिया का जन्म था 1819वीं शताब्दी को हुआ था, और उनकी मृत्यु 1901 में हो गई थी। और उन्होंने अपने सबसे कम उम्र में 18 साल, महज 18 साल की उम्र में लगभग एक चौथाई पूरे देश में राज किया था। और उस जमाने में करीब 40 करोड़ लोगों पर उन्होंने राज किया था। और उनकी मृत्यु 1901 में 22 जनवरी को हो गई थी। तो हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, और यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं कि विक्टोरिया भवन के पास हम लोग आए हैं, और लोगों से भी कुछ जानेंगे, और हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि यहाँ कितना बड़ा है और कितना लंबा। और यहाँ देखिए, टिकट जो है हमारे हाथ में है, और ये 30 रुपये का टिकट भारतीय लोगों के लिए है। और अन्य लोगों के लिए जो विदेशी नागरिक हैं, उनके करीब 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर है, चाहे कहीं के भी हो। लेकिन इंडियन लोगों के लिए महज 30 रुपये का ये टिकट है। और टिकट लेने के बाद वहाँ कर्मचारी इसे फाड़ देते हैं ताकि दोबारा एंट्री ना हो सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं, और आपको घूम कर दिखाएंगे चारों तरफ कि कैसा है चारों तरफ से देखने में भी ये विक्टोरिया भवन। तो आइए दोस्तों, हम लोग अंदर जाने का प्रयास करते हैं, और अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ का कैसा मंजर है और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं। तो आइए अंदर जाते हैं उस गेट से। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये जो मूल बातें स्पष्ट रूप से देखें लिखा गया है, और आज के समय में देखिए कैसे यहाँ दिखाई देता है, और जो पुराने समय की जो चीज़ें थीं और इसमें दिखाई जा रही हैं, और पूरी जूम करके दिखाई जा रही हैं। जैसे ये भी देखें, गुरु गोविंद सिंह ढिल्लों के कोट बटन, ये आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ टच करेंगे तो ये दिखेगा, और इसको जूम भी कर सकते हैं, इतना बड़ा जूम कर देंगे, जूम करके भी देख सकते हैं कि उस ज़माने में कैसा बटन हुआ करता था। और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मेडल और बैज देख सकते हैं, जैसा कि आप जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए ये जूम करके भी देख सकते हैं, और इसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको इस्तेमाल किया गया है, नए लोगों के साथ, जो दर्शक नहीं देख पाते हैं, जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। अभी हम लोग देखते हुए आए हैं कि ये सब छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, और वहाँ सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए उस समय के आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के तम्बाकू के पाइप, देखिए उस समय में इस तरीके से होते थे, इस तरीके से, जैसा कि आप जूम करके देख सकते हैं। जूम करेंगे तो बहुत बड़ा ये जूम हो जा रहा है, और आपको एकदम करीब से देखने को मिल जाएगा। और आइए हम आपको आगे दिखाते हैं उस समय की चीज़ें। इस समय देखिए कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों की वर्दी इस तरह हुआ करती थी, ये देखिए। और ये देखिए तलवार, नेताजी की तलवार थी, नेताजी तलवार उस समय इस तरह हुआ करती थी। और आइए आगे देखते हैं दोस्तों, और ये जो उस समय के 1942 में बर्लिन से नेताजी का रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो ये जो लिखा गया है वो उसी समय का लिखा गया है, और ये फ़ोटो खींच कर इसमें डाला गया है। और ये जूम करके लोगों को पढ़ने के लिए है सामान्य रूप से, जो कि जिनको कम दिखाई देता हो या कम दिखता हो वो भी लोग जूम करके ये पढ़ सकते हैं बारीकी से। देखिए इस तरीके से पूरी दिखा रहा है, टेलीग्राम टू द गवर्नमेंट बंगाल ऑफ 1835, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से की कई बातें लिखी हुई है इसमें, और भी आएगी आप क्रांतिकारी उस समय नेताजी के क्या विचार थे, और फोटो देख सकते हैं, फोटो यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, और उनकी उस समय की क्या विचार थे, और जो लिखा गया था उस समय का ये देखिए कागज़ है, जो कि हम वो अंदाज़ा से लगा सकते हैं कि ये उस समय की कितनी 19वीं शताब्दी की ये प्रिंट करके निकाली गई है। और देखिए इसमें दिखाई तो हमको दे रहा है, लेकिन जिनको सामान्य जो असामान्य है, जो उनको थोड़ा कम दिखाई देता हो, वो आगे जाके जैसा कि हमने आपको दिखाया है, आगे एक LED लगाया गया, उसमें जूम करके आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इनके क्या विचार थे और कैसे अनमोल विचार थे। तो आइए हम आगे आपको ले चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यूरोप में निष्कासन के दिनों में नेताजी ने ये टोपी पहनी थी और इसको सजाया गया था।